अभी हम बेवकूफ है कि वो सही है, इसका फैसला आपके हाथों में है। 1986 में महाराष्ट्र सरकार ने बॉलीवुड के टिकट के दामों पर टैक्स डबल कर दिया था, जिसके विरोध में बॉलीवुड द्वारा ये स्ट्राइक की गई थी, जिसमें लीडरशिप के तौर पर सबसे आगे थे मिथुन चक्रवर्ती और दिलीप कुमार। इन दोनों की लीडरशिप में ये स्ट्राइक किया गया था जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने अंत में हार मानकर ये टैक्स वापस ले लिया था। बॉलीवुड का ये स्ट्राइक महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ 3 दिनों तक चला था। पूरे बॉलीवुड ने एकत्रित होकर ये स्ट्राइक महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ किया था। मिथुन चक्रवर्ती और दिलीप कुमार ने अपने भाषणों से महाराष्ट्र सरकार पर तीखा प्रहार किया था, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने हार मानकर अंत में स्ट्राइक वापस ले लिया था। पूरे बॉलीवुड में किसी भी एक्टर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे, पर मिथुन चक्रवर्ती और दिलीप कुमार ने इसकी अगुवाई की और दोनों ने पूरे बॉलीवुड को प्रोत्साहित किया कि वो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट करें। तब जाकर सभी लोग इकट्ठा हुए इस प्रोटेस्ट को सफल बनाने के लिए, और अंत में जब ये सफल हो गया तो पूरे बॉलीवुड ने मिथुन चक्रवर्ती और दिलीप कुमार का शुक्रिया अदा किया। कहा यह भी जाता है कि इस प्रोटेस्ट को करने के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने बाला साहेब ठाकरे से आदेश लिया था। बाला साहेब ठाकरे, जो कि मिथुन चक्रवर्ती को अपना बेटा की तरह मानते थे, उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती से कहा कि आप ये प्रोटेस्ट कीजिए, कोई भी दिक्कत आएगी तो वो उनके साथ खड़े नज़र आएंगे। तब जाकर मिथुन चक्रवर्ती ने दिलीप कुमार से मुलाकात करके इस स्ट्राइक को अंजाम दिया था और अंत में ये स्ट्राइक पूरी तरह से सफल रहा था। 1986 तक मिथुन चक्रवर्ती 80s के और इंडिया के नंबर 1 सुपरस्टार बन चुके थे। ऐसे में उन्होंने अपने करियर की परवाह न करते हुए ये प्रोटेस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ किया था। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।